है दोस्तों, वक्त हो गया है आपको बताने का अगले महीने में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों ये जो महीना था ना, दिस करंट मंथ वाज इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगला महीना बहुत जबरदस्त होने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एक्शन, और वो भी हाई एंड एक्शन होने वाली है। इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट अवेटेड फोन्स लॉन्च होने वाले हैं लिटरली, एंड देयर आर फोल्ड्स, देयर आर फ्लिप्स, देयर आर फ्लैगशिप लेवल फोन्स, देयर आर फोन्स विद लाइटिंग बिहाइंड, बहुत सारी चीजें होने वाली है, सब कुछ बताने वाला हूं। और याद रखिए, ये वीडियो जो करते हैं बहुत ही रिसर्च करके फिर आप तक पहुंचाते हैं, ब्रांड से बात करते हैं, बताते नहीं है वो, लेकिन आपके लिए हम इधर उधर से ये सब खबरें निकालते हैं। वैसे पहला जो है वो नॉन स्मार्टफोन है, लेकिन मुझे लगा आपको बताना चाहिए। Asus ROG Ally, ये बेसिकली एक पोर्टेबल गेमिंग कंसोल है Asus की तरफ से। 7 इंच की FHD स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, एंड Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर आने वाला है, 40 वॉट की बैटरी है। 7 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है। सो दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स टॉक अबाउट फ्लैगशिप लेवल फोन, सम ऑफ द मोस्ट अवेटेड। दोस्तों मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूं, पहले ही वीक में लॉन्च होने वाला है Moto Razr 40 एंड Moto Razr 40 अल्ट्रा, ये फ्लिपेबल फोन्स हैं। एंड जो मैं एक्साइटेड हूं वो है अल्ट्रा। इनफैक्ट हमने चाइना से मंगा के उसको ऑलरेडी वीडियो कर दिया, जरूर जाके देखिएगा। एक्सीलेंट 165 हर्ट्ज पीओएलईडी डिस्प्ले वगैरह, 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर होने वाला है। जो नॉर्मल Razr 40 है उसमें छोटी स्क्रीन होगी, बट जो अल्ट्रा है उसमें बड़ी 3.6 इंच की स्क्रीन होने वाली है, एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लॉन्च होने वाला है। सीरियसली प्राइस क्या होगी वही इंपॉर्टेंट बात है। अभी मुझे लगता है ये जो Razr 40 है दैट विल कम अराउंड 60-65, एंड जो अल्ट्रा है दैट विल गो अराउंड 80-85,000। जी हां, और भी फोल्ड्स एंड फ्लिप्स आने वाले हैं। जी हां, एंड दैट इज Samsung Galaxy Z Flip 5। पता है ये Galaxy Unpacked इवेंट होने वाला है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, एंड तभी बहुत सारी चीजें लॉन्च होने वाली है, उसमें से Z Flip है। एंड दिस टाइम अगेन फ्लिप में ज्यादा डिफरेंस है। अगर फोल्ड के बारे में बात करूं तो वो इंक्रीमेंटल अपडेट होने वाला है, बट Z Flip 5 में बड़ा कवर डिस्प्ले होगा। बाकी के सब ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं तो Samsung ने कहा यार हम पीछे नहीं रह सकते। 3.4 इंच की कवर स्क्रीन होने वाली है, 6.7 इंच FHD प्लस AMOLED जो मेन स्क्रीन है वो, एंड 8 Gen 2 प्रोसेसर होने वाला है, 25 वॉट चार्जिंग विद 3700 mAh बैटरी, एंड Galaxy Unpacked लास्ट वीक ऑफ जुलाई में अलॉन्ग विद Z Fold 5 जो एक इंक्रीमेंटल अपडेट होने वाला है। आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी टू मच ऑफ डिफरेंस, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें इंप्रूव होने वाली है। कैमरा इंप्रूव होने वाला है, ऑब्वियसली प्रोसेसर 8 Gen 2 होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एंड फ्लिप एंड फोल्ड 5 दोनों भी साथ में ही लॉन्च होंगे। वैसे दोस्तों 29 जून डेट भी कंफर्म हो गई, 29 जून को एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप आ रहा है। जी हाँ, एंड आई डोंट नो व्हाई लास्ट ईयर दे डिड नॉट लॉन्च इट इन इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ Zenfone 10 की। जी हाँ, ये ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, इंडिया में पता नहीं आएगा या नहीं। आई एम होपिंग कि वो इस टाइम इंडिया में आ जाए, क्योंकि कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप बहुत रेयर कमोडिटी है, ऐसी डिवाइसेस आने चाहिए। अगेन 8 Gen 2 प्रोसेसर, 67 वॉट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, एंड 5.9 इंच FHD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज स्क्रीन। तो ये होने वाले हैं फ्लैगशिप लेवल के अबाउ 50,000, बट देर आर सम फोन्स विच आर गोइंग टू बी अंडर 40,000, उस प्राइस रेंज में, अराउंड 40,000 उससे कम में, और उधर भी बहुत जबरदस्त फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। एक तो रेनो सीरीज आ रही है, ओप्पो रेनो 10 एंड 10 प्रो, अगेन 120 हर्ट्ज ओलेड स्क्रीन, 1.5K आजकल रेजोल्यूशन आने लगे, बीच में 2K भी नहीं, FHD भी नहीं, समथिंग इन द मिडिल। ये 8 प्लस जेन 1 पे होने वाला है, और याद रखिए दोस्तों ये जो 40,000 अंडर 40,000 की प्राइस रेंज है उसमें 1+11R छोड़ के अच्छा फोन नहीं है। मतलब अगर आपका वो बजट भी होगा, यू डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस, लेकिन अगला महीना खत्म होने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल रेनो 10 एंड 10 प्रो, 80 वॉट चार्जिंग, 8 प्लस जेन 1, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, एंड जुलाई एंड में ये लॉन्च होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फोन्स लास्ट ईयर का नथिंग फोन था, अब ये जो सेकंड जनरेशन है वो भी जुलाई के महीने में ही लॉन्च होने वाला है, नथिंग फोन 2। एंड एक बात कहूं, जो टीजर्स आए हुए उसके हिसाब से ऐसे लग रहा है कि लुक एंड फील में सेम रहने वाला है, लेकिन काल पे ने कहा है कि भाई नहीं, रुक जाओ, लॉन्च के लिए कुछ अलग आने वाला है। अगेन 6.55 इंच FHD प्लस 120 हर्ट्ज ग्लो ग्लिफ लाइटिंग वगैरह होने वाला है, 8 प्लस जेन 1 है, 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, ट्रिपल नहीं है, डुअल कैमरा सेटअप ही दिख रहा है, अगर आप फोटोज रेंडर्स वगैरह देखोगे वैसे ही दिख रहा है, एंड 45 वॉट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग भी मेरे हिसाब से होगी। 11th जुलाई इज द डेट व्हेन दिस इज गोइंग टू लॉन्च करने वाले हैं, उसमें भी एक एक्साइटिंग अनबॉक्सिंग करने वाले, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जुलाई में बहुत सारे फोन आने, सबकी अनबॉक्सिंग होने वाली है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, थोड़ी अलग जगह से, इसीलिए मैंने कहा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए। और एक फोन आ रहा है, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि वो ब्रांड जाना जाता है उसके लिए, IQ Neo 7 Pro। जी हाँ, 8 प्लस जेन 1 पे ये भी होने वाला है, 6.78 इंच FHD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज स्क्रीन, 50 मेगापिक्सल का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी, 120 वॉट चार्जिंग, और बाकी सब फोन्स के सिमिलर स्पेसिफिकेशन है, ये 35-40,000 की रेंज में, लेकिन ये जो है शायद 35,000 के भी नीचे आ जाए, एंड दैट विल बी एक्साइटिंग।
एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस फोन IQOO Neo 7 Pro। अब दोस्तों थोड़ा मिड रेंज फोन्स की तरफ आते हैं, अंडर 30,000 के फोन्स के बारे में बात करते हैं। ज्यादा एक्शन नहीं है उधर जितनी एक्शन फ्लैगशिप लेवल में, लेकिन फिर भी दो बहुत ही अवेटेड फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, OnePlus Nord 3। आई थिंक प्रोबेबली बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लोग जो है इसके लिए रुके हुए हैं। ये Dimensity 9000 पे होने वाला है, फोन बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इसका बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे लग तो रहा है। 6.74 इंच, 1.5K AMOLED स्क्रीन होगी, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, Dimensity 9000 प्रोसेसर, 50MP का ट्रिपल OIS कैमरा सेटअप, 80W चार्जिंग। 4th-5th July को ये लॉन्च होने वाला है, आई एम सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और उसी का छोटा भाई भी उसी 5-4 या 5 तारीख को लॉन्च होने वाला है, सेम लॉन्च इवेंट में, Nord CE3। जी हाँ, ये भी 120Hz AMOLED बट Qualcomm Snapdragon 782G इस प्रोसेसर पे होने वाला है। इसमें 80W चार्जिंग होगी, 5000mAh की बैटरी, अगेन लाइक आई सेड 1st week of July। Samsung भी लेके आ रहा है उनका एक मिड रेंज फोन, Samsung Galaxy M34। जी हाँ, अगेन दिस इज ऑल्सो AMOLED 120Hz बट ये Dimensity 1080 प्रोसेसर पे होने वाला है। उनका जो Exynos 1330 या 1380 उसके ऊपर नहीं है, ये Dimensity 1080 प्रोसेसर पे, 48MP का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 6000mAh की बैटरी है विद 25W चार्जिंग। दिस इज इनफैक्ट गोइंग टू लॉन्च लास्ट वीक ऑफ जून, मतलब अभी आने वाला है अगले 3-4 दिनों में, मैंने कहा बता दूं क्योंकि ये वीडियो जाने के बाद वो लॉन्च होने वाला है। एंड देन इन 1st week of July Realme लेके आने वाला है उनका Realme Narzo 60 सीरीज। थैंकफुली दोस्तों अगर आपने हमारा Realme 11 Pro Plus का वीडियो देखा है तो मैंने उधर वो इंटेलिजेंट सर्च सर्विसेज जो है उसके बारे में बात किया था, गवर्नमेंट ने भी उसे देखा, सब कुछ किया, इमीडिएटली अपडेट आ गया Realme की तरफ से कि भाई अब बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। आपकी वजह से दोस्तों हम ये वीडियोस बनाते हैं, आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, एंड देन चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग, थैंक यू फॉर दैट। हां तो उसी में Realme Narzo 60 सीरीज लॉन्च होने वाली है 1st week of July। Dimensity 6020 प्रोसेसर, 8GB RAM, Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, Dimensity 6020 है इतना पता है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू लॉन्च, दिस इज गोइंग टू बी अंडर 20,000 नॉट अंडर 30,000। वैसे दोस्तों अगर कटिंग एज पे आपको रहना है जो भी टेक अपडेट्स होते हैं तो प्लीज हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जो है ज्वाइन कीजिएगा, bit.ly/trackandtechdiscord, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पिन कमेंट में दे रहा हूं, बहुत बड़ी कम्युनिटी हमें बनानी है, प्लीज ज्वाइन देयर। उधर मैं भी होने वाला हूं, हमारी पूरी टीम होती है, आपसे बात करते हैं, उधर गिव अवेज करने वाले हैं, क्विजेस करने वाले हैं, बहुत सारी सब जो टेक न्यूज होती है वो है, अलग अलग चैनल्स है, गो चेक आउट एंड प्लीज ज्वाइन। वैसे ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।